ओके सो एवरीबॉडी वेरी 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 गुड इवनिंग सभी देवियों सज्जनों भाइयों बहनों मित्रों सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी स्पेशल सेशन जिसमें आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, एक ऐसे गेस्ट जिनको अब हमने केवल एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं बुलाना चाहिए, हमने इनको बुलाना चाहिए एक सुपरस्टार। इनको सुपरस्टार इसलिए बुलाना चाहिए क्योंकि अभी जस्ट कंक्लूडेड सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स में इन्होंने अपना रिजल्ट इस कदर लाए है कि ये बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए हैं। और इसमें ना केवल ये बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए बट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज अकाउंट्स उसमें वो 96 उन्होंने स्कोर किया है एंड एडवांस्ड अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में उन्होंने 71 स्कोर किया है। तो यहां पे कोई भी एक सब्जेक्ट अकाउंट्स जैसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उसमें इतना एक्सपर्टीज गेन करना, वो नॉलेज इनसे हम यहां पे आज पूरा देखने आए हैं, लेने आए हैं और वो नॉलेज आप सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने आए हैं कि आप जो मई 23 एंड नवंबर 23 में एग्जाम्स दे रहे हैं वो इनसे सीखे, वो इनसे समझे कि हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो हमारे साथ यहां पे जुड़े हैं सीए फाइनलिस्ट स्पर्श सिंगल। स्पर्श वेलकम टू दिस सेशन एंड सीए फाइनलिस्ट, ये चीज सुन के कैसे लग रहा है? थैंक यू सर, पहले तो इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया आपने और सब बढ़िया लग रहा है। मतलब सीए अब बस सीए फाइनलिस्ट की जगह सीए साहब भी लगाना है। सीए साहब लगाना है ज्यादा जरूरी। अभी सीए फाइनलिस्ट थोड़ा लंबा नाम लग रहा है, वो लंबे नाम को अब छोटा करके सीए करना है, वो बड़ा करना है, वो जरूरी है अब, क्योंकि जितना छोटा नाम उतना ज्यादा इम्पैक्ट। तो सीए अब नाम के आगे लगाना है, राइट? तो अभी स्पर्श, जैसे मैंने आपको सब बच्चों को यहाँ पे बोला कि आपने सीए इंटरमीडिएट में ग्रुप वन अकाउंटिंग में यू हैव स्कोर 96, दैट इज यू हैव जस्ट लॉस्ट 4 मार्क्स। और वो 4 मार्क्स भी मेरे को ऐसा लगता है आपके साथ, तो मैं एग्जाम के पहले काफी टच में भी था, बातें भी होती थी, आपकी स्ट्रैटेजी भी मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे आपका सिंसेरिटी भी पता था, हाउ मच टाइम यू आर डेडिकेटिंग टू योर स्टडीज एंड इट क्लियरली शोड इन योर रिजल्ट्स कि फर्स्ट अटेम्प्ट में व्हाट वाज योर एग्जैक्ट स्कोर, बोथ ग्रुप का आपका स्कोर कितना था ये बताइए? 557। मतलब आप कह रहे हैं जहां पे 800 में से 400 पासिंग है वहां पे आपने 557 मार्क्स स्कोर किए, मतलब 157 मार्क्स ओवर एंड अबाउ व्हाट वाज नीडेड टू पास सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स। दैट इज ट्रूली ट्रूली वंडरफुल। मतलब मैं और बोलता हूँ कि अगर इसमें और थोड़े मार्क्स जोड़ दिए रहते तो तू रैंक होल्डर बन जाता यार, है ना? 23 नंबर से रह गया। कोई नहीं, ये 23 नंबर का जो अपना रह गया है वो सीए फाइनल में अपन पूरा करेंगे, राइट? यस। तो अब स्पर्श, यहाँ पे आपने बच्चों को जो आपकी स्ट्रैटेजी थी वो दिल खोल के बताना है, बहुत शिद्दत से बताना है, बहुत अच्छे से बताना है, क्योंकि ये जून 23 मतलब मई 23 एंड नवंबर 23 की एग्जाम्स में लिटरली मैं बता रहा हूँ हमारे पास सितारे हैं, जस्ट दे नीड द राइट गाइडेंस। जो हम टीचर्स तो उनको दे रहे बट विद स्टूडेंट्स, इफ दे गेट दैट गाइडेंस फ्रॉम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी रिसेंटली ये चीज किया है तो दे कैन रिलेट वेरी मच विद द स्टूडेंट्स हु जस्ट क्लियर्ड एंड ये उनको बहुत मदद करेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्पर्श कि आपका, अब मैं ना यहाँ पे एग्जाम के पहले से थोड़ा रिवर्स में आऊंगा, एग्जाम के पहले, एग्जाम के एक महीने पहले, तीन महीने पहले, छह महीने पहले। तो सबसे पहले एग्जाम के जो एक महीने पहले का आपका रिविजन था, वॉट वॉज योर स्टेटस ड्यूरिंग दैट रिविजन? मतलब मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि वो रिविजन करते समय क्या आपका एक बार पूरा सेल्फ स्टडी हो गया था या फिर आपने एग्जाम के फाइनल मंथ तक अपना पूरा सेल्फ स्टडी फर्स्ट टाइम का खींचा हुआ था? सर एक महीने पहले तक तो 3-4 बार सेल्फ स्टडी हो चुकी थी। ठीक है, एक बार रेगुलर बैच हो चुका था ऑलरेडी। तो एक महीने पहले तक, एग्जाम के एक महीने पहले तक आपकी सेल्फ स्टडी 3-4 बार हो चुकी थी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा रहता है वो सेल्फ स्टडी मैनेज ही नहीं कर पाते, खत्म ही नहीं कर पाते। तो आपने 3-4 बार सेल्फ स्टडी खत्म करने के लिए क्या चीज सबसे पहले किया? मतलब व्हाट वाज योर डेली रूटीन लाइक, व्हाट वाज योर डेली शेड्यूलिंग लाइक, आपने क्लासेस कैसे खत्म किए, आपने सेल्फ स्टडी को क्लासेस के साथ कैसे मैनेज किया? रेगुलर क्लासेस के टाइम पे तो बस क्लासेस एंड देन उसका होमवर्क, ये भी कर लोगे मोर देन इनफ है। बस इसके बाद एक चीज और अगर एडिशनल कर सकते हो तो कि रेगुलर क्लासेस के टाइम पे एक सेल्फ रिवीजन और निकाल दो। मैंने यही करा था रेगुलर क्लास के टाइम पे, जैसे बीच में छुट्टी होती है कि टीचर ने कहीं घूमने चले गए, 5-7 दिन की छुट्टी दे दी, तो उन 5-7 दिन में उनके टाइम बचा। अब जैसे एडवांस अकाउंट में आपकी मैरिज आई थी बीच में तो 10 दिन के अराउंड की छुट्टी होती है, तो मैंने जैसा आपने बताया था ये चीज़ आपने ही बताई थी कि
ये छुट्टी मिली है तो इसे ये नहीं सो जाओ सुबह सुबह, उठो उसी टाइम और उठ के अपना एडवांस अकाउंट का रिवीजन मार लो पहले का जो भी है। तो राइट उससे क्या होता है, उससे कॉन्फिडेंस ज्यादा लगने लगता है, मतलब बीच में पता चल जाता है कि हाँ तुम जो पढ़ रहे हो अब तक जर्नी में वो इम्पैक्टफुल है भी कि वेस्ट चल रहा है सब कुछ। राइट तो एक राइट तो रिवीजन वहां पे जाता है, फिर इसके बाद जैसे ही ग्रुप वन खत्म हुआ तो उसके बाद ग्रुप टू के साथ, शुरू में तो मैंने गलती करी कि ग्रुप टू के भी चारों सब्जेक्ट चल ही रहे हैं, फिर उसके बाद चार सब्जेक्ट उसके भी चल रहे हैं जीवन के, और फिर मुश्किल हुई थी मतलब तब तो हफ्ते 10 दिन तक बहुत दिक्कत हुई। फिर उसके बाद जब पता चला ऐसे नहीं होएगा तो फिर मैंने क्या किया, एक एक सब्जेक्ट उठाया कि पहला 1 महीना एक सब्जेक्ट को दिया, दूसरा 1 महीना एक सब्जेक्ट को, फिर तीसरा महीना एक को, ऐसे ऐसे करके एक एक 1.5 महीने में करके निपटाया। तो उससे लोड भी नहीं पड़ा, मतलब G2 बल्कि मेरे को जीवन से ज्यादा स्मूथ लग रहा था। राइट राइट तो यहाँ पे आपने जो बोला स्पर्श, इसको ना अब मैं कुछ हिस्सों में तोड़ूंगा, समराइज करूंगा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एक पॉइंट नोट कर पाए। सबसे पहली चीज आपने बोली कि आपकी जब रेगुलर क्लासेस चल रही है उसके साथ रोज वो चीज को घर पे पढ़ लो, जो भी होमवर्क दिया है, जो भी क्लास में डिस्कस हुआ है, सबसे पहले तो ये डेली बेसिस पे करो। दैट इज पॉइंट नंबर वन दैट यू सेड। ठीक है, तो जो क्लास में हुआ वो घर पे उसी दिन हो जाना चाहिए। सेकेंडली व्हाट यू सेड इज कि वो जो 3 साढ़े 3 महीने की क्लासेस रहती है उसमें हर एक सब्जेक्ट में एक ऐसा फेज आता है जब आपकी रेगुलर क्लासेस कहीं ना कहीं कोई 4 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए ऑफ है। जैसे मेरा तुम्हारे बैच में मेरी ये थी, मैरिज थी, तो मैरिज के टाइम मेरी क्लासेस 10 डेज के लिए ऑफ थी। तो रादर देन वेस्टिंग दैट टाइम कंसिडरिंग इट अ हॉलीडे, यू इन्वेस्टेड दैट टाइम एंड डिड अनदर रिविजन। तो आपने सेकेंड टाइम भी तभी पूरा पढ़ लिया जितना क्लास में हुआ था उतना पूरा। और यस इसमें और एडिशनल एक क्लास के साथ, एक और हाँ चीज, एक और और चीज आपने एडिशनल एक और चीज बोला था जो थर्ड चीज, इसको समराइज करूंगा फिर आपका पॉइंint। थर्ड चीज जो आपने इसमें बोली कि आपकी जब रेगुलर क्लासेस चल रही है तो रेगुलर क्लासेस में आपने क्या चीज पे फोकस करना है, वो ये है कि एक तो पूरा सेल्फ स्टडी आप तभी कर लो, दूसरा उसका रिवीजन आप तभी के तभी कर लो, और तीसरी चीज स्पर्श, यहां पे आपने जब सेल्फ स्टडी अपनी करना चालू किया उसको तब रिवाइज भी आपने कर दिया। तीसरी चीज, आप क्या हर एक चीज लिख लिख के करते थे क्या तब जब सेल्फ नहीं स्टडी नहीं लिख करते लिख के थे? करने का कोई फायदा, हाँ लिख लिख के करने का फायदा नहीं है। ऑडिट में कर, जो थोड़े कॉन्फिडेंट हो जिन क्वेश्चन में वो ऑडिट में कर लो, जिनमें नहीं हो उसको भी ऐसे नहीं कि प्रॉपर ऐसे लाइनें मार मार के खींच के कर, ऐसे जरूरी नहीं है। बिल्कुल स्क्रिबल करते हुए कि बस अमाउंट्स लिख रहे हो, लाइक बस दो कॉलम बनाए टी फॉर्मेट में कर लो क्वेश्चन को खत्म, बस इतना कि उस समय क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तुम्हें पता चल जाना चाहिए तुम क्या कर रहे हो, उसके चाहे 5 मिनट बाद खुद को ना समझ में आए, इतना भी गंदा करोगे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज होना चाहिए दिमाग में। राइट अब मैं जो एक पॉइंट ऐड कर रहा था कि एक और रिवीजन रेगुलर क्लासेस के टाइम निकाला था, मुझे एकदम याद आया कि वो कैसे निकाला। जैसे चैप्टर खत्म हुआ, फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 खत्म हुआ तो उसके PYQ सारे और RTP के क्वेश्चंस सारे लेके, जैसे चैप्टर खत्म हुआ 2-3 दिन, अगला चैप्टर खत्म होने 5 दिन कम से कम लगने ही है, अकाउंट्स में कॉस्टिंग में ये सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जीवन में या G2 में भी कोई भी सब्जेक्ट होता है 4-5 दिन 5-6 दिन लगने हैं, तो वो टाइम तुम्हारे पास है, तुम आधा घंटा भी दिन का दोगे तो 2-3 दिन में तुम खत्म कर दोगे सारे PYQs वगैरह। ऊपर ऊपर से रीड आउट करना, ऐसा तो है नहीं कि पूरा सॉल्व करना है लिख लिख के, ऐसा नहीं करना, बस उसे करोगे तो तुम्हारी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने आज तक के सारे इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस भी कर लिए, सब कुछ अपने हाथ से निकाला है, टीचर ने नहीं करवाया मैंने कराया, तो वो चीज़ और कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। राइट तो इन ऑर्डर टू और कवर द मैक्सिमम सिलेबस इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, आप कह रहे हैं कि हर एक चीज को, मतलब वो हर एक क्वेश्चन को हम लाइन खींच के बहुत टाइम डेडिकेट करके लिख लिख के सॉल्व कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि जो इंपॉर्टेंट मैटर है हर एक क्वेश्चन का वो केवल एक रफ वर्क के तौर पे सॉल्व कर लो, और रफ वर्क के तौर पे सॉल्व करो तो दिमाग में पूरा कंसेप्ट चले जाता है, विच इज इंपॉर्टेंट। रिविजन में वही चीज इंपॉर्टेंट है कि पूरा कंसेप्ट दिमाग में चले जाता है, और उससे आपका एक तो कंसेप्ट पूरा दिमाग में बैठ गया तो कॉन्फिडेंस आता है कि पूरे क्वेश्चन को मैंने एक बार खुद से सॉल्व किया, एंड मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपका कवरेज भी होता है। आपने जब इसके पहले ये पॉइंट आपका बोला कि सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज की थी, उसमें एक और पॉइंट हमारा समराइज करने का जो रह गया वो सब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे। स्पर्श ने बोला था कि जब उसकी ग्रुप 2 की पढ़ाई स्टार्ट हुई क्लासेस, तो इनिशियल एक हफ्ता उसने ग्रुप 2 प्लस ग्रुप 1 दोनों सेल्फ स्टडी करने की कोशिश की, जो उससे मैनेज नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ ग्रुप 2 की सेल्फ स्टडी की, डेली सेल्फ स्टडी प्लस ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट उसने किया। फर्स्ट मंथ में ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट, ग्रुप 2 की क्लासेस के फर्स्ट मंथ में ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट, ग्रुप 2 की क्लासेस के सेकंड मंथ में ग्रुप 1 का सेकंड सब्जेक्ट, और ग्रुप 2 की क्लासेस के थर्ड मंथ में ग्रुप 1 का थर्ड सब्जेक्ट। तो आप इफेक्टिवली क्या कर रहे हो, तब केवल 5 सब्जेक्ट मैनेज कर रहे हो। सो दैट इज मच इजियर एंड मच इफेक्टिव ऑल्सो, राइट स्पर्श? हाँ
हाँ सर, क्योंकि और सबसे पहले सब्जेक्ट वो उठाओ जिसमें डर लगता हो। मैंने सबसे पहले कॉस्टिंग उठाया था, कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा कॉस्टिंग और टेस्ट में लगता था, तो मैंने कॉस्टिंग उठाया सबसे पहले। फिर ऐसे 1 महीना कॉस्टिंग को दिया, बिल्कुल ऐसे निचोड़ के, ऐसा कहता है ना कि निचोड़ के पी गए, तो वो चीज़ है कि फिर खत्म कर दिया उसे। क्योंकि फ्लो में जब रहता है, रोज कॉस्टिंग कर रहे हो, रोज ही कर रहे हो खुद से, तो फिर वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी खुद से बहुत ज्यादा आती है, सेल्फ लर्निंग वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ती है। अब टीचर्स के लेक्चर्स पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कई टीचर्स होते हैं कि कई क्या, हर कोई कहता है सर आप भी रिवीजन बैचेस लाते हो, आप भी कहते हो हाँ मेरी क्लास में, हर कोई कहता है वो चीज़, वो नॉर्मल है। आप भी जैसे कहते हो कि हर कोई कहेगा कि अपना अनअकेडमी कह ही रहा है कि भाई आओ आओ आओ, सबको एंगेजमेंट चाहिए। बट ये है कि जैसे ये चीज़ तो आपने सिखाई थी कि अपने हिसाब से शेड्यूल करके जाओ लेक्चर्स में, ऐसे नहीं कि टीचर कह रहा है मेरी क्लास में लाइव आओ तो चले गए मुँह उठा के, ऐसे नहीं जाना। वो अपने हिसाब से जाओ, लाइव क्लासेस सिर्फ रेगुलर वाली करो, रिवीजन वाली लाइव लेने की जरूरत नहीं है, एंड चाहे ये टीचर। स्क्रीन टाइम की आप जो बात कर रहे हो, स्क्रीन टाइम आखिरी 2 महीने में मिनिमम मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज व्हाट आई गेस यू आर ट्राइंग टू से। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, स्क्रीन टाइम की बात नहीं है सर। अगर जैसे रेगुलर बैच है, अब शुरू में मेरा बहुत ज्यादा, जैसे हफ्ते भर में मैंने सारे सब्जेक्ट्स उठाए ग्रुप वन के, वो इसलिए भी, ये भी तो एक रीजन था क्योंकि ग्रुप वन के टीचर्स का सबका रिवीजन शुरू हो गया, तो मेरे सामने 4 क्लासेस रेगुलर ग्रुप टू की आ रही है, 4 क्लासेस रेगुलर इधर ग्रुप वन की भी आ रही है, तो मेरा वो सब कुछ जा रहा है वहाँ पर। इससे बढ़िया मैं एक क्लास, अगर मेरे को क्लास देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास देखो तो एक टाइम पे एक क्लास उठाई, उसके बाद उनका बैच चल रहा है चल रहा है, तुम देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, उनका बैच 1 महीने में खत्म हो गया, अगला बैच भी तो रिकॉर्डेड चल ही रहा है। जैसे मान लो कॉस्टिंग का था, जैसे कॉस्टिंग के रिविजन चल रहे थे, वो 1st मंथ में खत्म हो गए, फिर इसके बाद अगला सब्जेक्ट मैंने टैक्स उठाया, टैक्स के रिविजन भी तो 1 महीने में चले ही थे, तो वो रिविजन देख लो, रिकॉर्डेड देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, हर अपने एक टाइम के हिसाब से चीज देखो। लास्ट में लाइव देखना जरूरी नहीं है। मतलब सिंपल सी बात अगर मैं इसको समराइज करूं जो स्पर्श ने कहा, आप रेगुलर क्लासेस लाइव देख रहे हो दैट इज गुड एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज फर्स्ट टाइम क्लासेस जितना लाइव देखोगे उतना इफेक्टिव। बट उसके बाद जो आपको रिविजन क्लासेस इफ इन केस देखने की जरूरत पड़ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट कंपल्सरी टू वॉच रिविजन क्लासेस, इफ नीड बी देन वॉच इट, इफ नीड नॉट देन डू नॉट वॉच। अगर आप देख रहे हो तो रिविजन क्लासेस लाइव देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या चीज होती है, जनरली आप स्टूडेंट्स जब 8 घंटे एक तो रेगुलर क्लास कर लेते हो, उसके बाद आप बोलते हो कि सर अब तो पैरेलली रिविजन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई, तो अब सर हम दिन के 4-5 घंटे रिविजन क्लासेस देख लेंगे। अरे तो 8 घंटे रेगुलर क्लासेस देखे, 4 घंटे रिविजन क्लासेस, 12 घंटे तो पूरा आपने स्क्रीन को डेडिकेट कर दिया, दिन वो निकल जो जाता पढ़ा है। उसको रिवाइज कब करोगे? सो डू नॉट डू दैट वे। जैसा स्पर्श ने बोला कि 4 क्लासेस तो रेगुलर आपने करनी है, उसके 8 घंटे लगेंगे, मैक्सिमम एक और क्लास रिविजन की उठा लो देखने के लिए, जिसको आप रिकॉर्डेड देख लो, वो लाइव देखने की जरूरत नहीं है, लाइव क्लास रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, तो वहां आप उसको रिकॉर्डेड देख लो और उसके बाद उसकी सेल्फ स्टडी वगैरह पे ज्यादा फोकस करो। स्पर्श अब और ये रिकॉर्डेड तो में भी मैं हाँ स्पीड बढ़ा देखो, क्या रिकॉर्डेड में भी स्पीड बढ़ा के देख लो, क्योंकि दूसरी बार कुछ पढ़ रहे हो तो उसमें जरूरी नहीं कि 1 XP देखना है, तब तेज कर सकते हो, तब कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ 1.5 पे देख सकते हो जैसा भी आपको, मतलब वन जिस पॉइंट स्पीड को आप मैनेज कर फाइव सकते हो, हाँ ठीक है। अब स्पर्श मुझे ये बताइए, इन द फाइनल 1 मंथ एग्जाम के पहले आपने जो पढ़ाई की थी, वो पढ़ाई आप सुबह से लेके शाम तक शेड्यूल कैसे करते थे? क्योंकि सेल्फ स्टडी एक बार स्टार्ट होती है व्हेन इट इज 100% सेल्फ स्टडी, या फिर 90% सेल्फ स्टडी, 10% क्लासेस, तो ये टाइम पे आप सेल्फ स्टडी की शेड्यूलिंग कैसे करते हो, हाउ टू कीप अप द मोटिवेशन, उठने का, सोने का, खाने का, ये सब कैसे मैनेज करते हो, हाउ डिड यू डू इट, जो आपको 96 लाने में एंड 557 लाने में मदद किया, हाउ वॉज दैट? बस, सबसे पहले तो कि उठते ही थ्योरी कर लोगे, मतलब मेरे को पर्सनली लगता है उठते ही थ्योरी करना बेटर रहता है, कि उठते माइंड एकदम फ्रेश है, तो थ्योरी एक बार रीड करती ही दिमाग में बैठने लगती है। वरना क्या होता है, बच्चे कई बार क्या करते हैं कि पहले प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट ज्यादा आता है आपको, तो वो क्या करते हैं कि नींद खोलने के लिए प्रैक्टिकल करा, वो भी कर सकते हैं, बट फिर वो गलती कहाँ करते हैं कि थ्योरी को लास्ट एंड ऑफ द डे पे रख देते हैं, फिर तब क्या होता है, तब दिमाग थक जाता है, वो थ्योरी पढ़ने को पढ़ लेते हैं नाम को, पर वो दिमाग में कुछ नहीं बैठता, वहां वो लॉस कर जाते हैं। अब राइट टाइमिंग जो है, टाइमिंग भी बहुत मैटर करती है कि जिस टाइम सो रहे उठ रहे, बॉडी साइकिल बनी रहनी चाहिए, और शेड्यूल तुम रखो अपने सब्जेक्ट्स का, कि तुम्हें पता है कि अगर 8 बजे मुझे अकाउंट्स पढ़ना है तो अकाउंट ही पढ़ना है, या फिर तुमने 10 बजे का मान लो रखा कि मेरे को लॉ पढ़ना है तो लॉ ही पढ़ना, वही करना है, क्योंकि एक बॉडी साइकिल होती है, तो साइकोलॉजी भी ऐसे घूमती है, तुम्हारे 10 बजे अपने आप वो लॉ में थोड़ा दिमाग तेज चलने लगेगा,
और वो होता है ये चीज, राइट ये तो भी आपने आप बताई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे स्पर्श ने बोला कि आपकी बॉडी साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना, उसके लिए जरूरी है शेड्यूल मेंटेन करना। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते आज सुबह मैं 6 बजे उठना चाहता हूँ 6 बजे उठूंगा, कल 10 बजे, परसों 12 बजे, फिर उसके बाद रात के 3 बजे तक एक दिन पढ़ रहे हो, एक दिन रात के 10 बजे ही सो जा रहे हो। बिकॉज इफ यू डू नॉट मेंटेन अ बॉडी साइकिल, आपकी बॉडी इवेंचुअली कंफ्यूज हो जाएगी कि किस टाइम पे क्या करना है, किस टाइम पे मेहनत करना है, किस टाइम पे आराम करना है, किस टाइम पे खाना खाना है, किस टाइम पे नहीं खाना है। एंड वंस द बॉडी स्टार्ट्स गेटिंग कंफ्यूज्ड, आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है। राइट स्पर्श, तो आपने यहाँ पे शेड्यूलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। हाँ एंड सर, वन शेड्यूलिंग भी लास्ट और फाइनल, कंसिस्टेंसी, शेड्यूलिंग भी और कंसिस्टेंसी भी, जो तूने शेड्यूल बनाया उसको कंसिस्टेंटली भी फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि अभी 4 दिन कर लिया फिर हफ्ते भर छोड़ दिया फिर याद आया हाँ शेड्यूल था फिर उठा लिया शेड्यूल, ऐसे नहीं होएगा काम। एंड वन लास्ट फाइनल थिंग जो स्पर्श हम यहाँ पे बच्चों को अब पूछना चाहेंगे, हमने सेल्फ स्टडी, रेगुलर क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, लास्ट 1 मंथ सारी चीजें कवर की, एक चीज एग्जाम का जो 1.5 दिन मिलता है उसमें क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, ये तुमने क्या किया? नाउ दिस इज अ वेरी कस्टमाइज्ड आंसर, सबका अलग अलग होता है, बट यू मैनेज टू स्कोर 96 एंड 557, तो तुम्हारा क्या था वो एक बार बता दो। सर 1.5 दिन में तो ये है कि क्लासेस को 2x भी क्या 3x 4x तो भगा दो क्लासेस कौन बिल्कुल। सी? रिवीजन प्री एग्जाम रिवीजन तो मैराथन। मैराथन, हाँ प्री एग्जाम मैराथन, बिल्कुल प्री एग्जाम मैराथन को तो 2x भी क्या और तेज भगा दो, जितनी तेज सुन सकते हो उतनी तेज। तो बस, और उसमें भी सुनना कुछ नहीं है, जैसे आपके अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट की मैराथन थी तो उसमें सुना भी नहीं मैंने, बस आप लिखते तो हो ना, बस मेरे को लिखना ही तो देखना है कि क्या क्या लिख रहे हो, क्या कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा चल रहा है। तो मैंने बिल्कुल स्किप कर करके भी 4x पे चलाई और स्किप कर करके भी करी, तो ऐसे भी करा मैंने। उससे क्या हुआ, 2 घंटे की क्लास भी 20-25 मिनट में आधे घंटे में खत्म कर दिया मैंने, और फिर इसके बाद क्वेश्चंस वहाँ पे काफी हो जाते हैं सॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर टीचर है अपने अपने मैराथन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा देते हैं। अब उसके अलावा तुम एक रेगुलर क्लासेस से ये आदत लगानी होती है कि स्टार मार्किंग करके रखो, जो भी क्वेश्चन है तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे बार बार रिवाइज करना है इसे स्टार मार्क कर लो, और अगले अगले रिविजन में उन क्वेश्चन को और शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करो। मान लो पहले बार में तुमने रेगुलर क्लास में एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन मार्क करे तो अगली बार ट्राई करो 8 हो जाए, उसके अगले में 6 हो जाए, कि एग्जाम टाइम पे कम से कम प्रेशर होना चाहिए। और अब एग्जाम टाइम पे फॉर एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन बचे एक चैप्टर के, 5 में से 4 तो क्लास में ही हो जाएंगे रिवाइज, वो प्री एग्जाम में बचा 1 क्वेश्चन उसे पढ़ लो खुद से एक बार, उसे भी रीड आउट कर लो ऑडिट से, तो ऐसे कोर्स कंप्लीट भी हो जाता है। क्योंकि बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे कि एग्जाम सेंटर पे भी लगे पड़े हैं, देखे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार कोर्स अब तक भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो कह रहे हैं होएगा भी नहीं कंप्लीट, तो ये गड़बड़ है। अब मेरा, मैं 1.5 वीक में 1 दिन में कर लेता था सारे अमेजिंग। तो सब्जेक्ट यहां में। पे आपने जो बोला उसको मैं अगर समराइज करूं, तो सबसे पहले आपने बोला कि आप प्री एग्जाम मैराथन देखना प्रेफर करते थे, बट एट अ वेरी हाई स्पीड, विच इज गुड। अगेन इसमें ये बोलता हूं कि स्पर्श ने अगर 3x 4x पे देखा, जरूरी नहीं है आप भी देखो, आपने आपकी कंफर्ट जोन के अनुसार देखना है कि आपको किस पे चीजें समझती है, कैसे समझती है। दूसरी चीज इसने बोला कि रेगुलर क्लासेस के दौरान क्वेश्चंस को ए बी सी कैटेगरीज में डिवाइड करो, इंपॉर्टेंट, मॉडरेट एंड नॉट सो इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस पे लास्ट 1.5 दिन में ज्यादा फोकस करो, क्योंकि उसमें से आने के चांसेस भी ज्यादा है, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए तो इजी वाले तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। राइट एंड 1.5 दिन में आप यहां पे फोकस करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो पूरे कर लो, तो आपको एग्जाम में उतना ज्यादा आसानी भी होता है। एंड इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पढ़ाई लास्ट मोमेंट तक खींचो, स्टार्टिंग के जो 1.5 दिन का स्टार्टिंग का पोर्शन है उसमें खुद को खींच के आपकी पढ़ाई जल्दी से जल्दी खत्म करो, जितना जैसे यहाँ पे स्पर्श ने किया। तो जाने के पहले स्पर्श कुछ फाइनल वर्ड्स आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे May 23, November 23 वालों को। सर May 23 वालों के तो बिल्कुल एग्जाम्स भी आने वाले, उनका तो कोर्स भी खत्म होने वाला है गैस ग्रुप टू का, तो इनके तो अब खुद से लगना है सब कुछ, और बस फोड़ देंगे सर आप। और मैं ये भी कहना चाहूंगा सर बिल्कुल साथ देते हैं, सर को कभी भी मैसेज करो कुछ, बस मैसेज भी छोड़ दो, ये जरूरी नहीं कि कॉल कर परेशान करना पड़े, कुछ भी है जरा सी भी दिक्कत है मेरे को AIS में, आपको भी याद है सर कितने मैं रोता था कि सर AIS नहीं हो रही मेरे से, AIS नहीं हो रही, आप हमेशा बस एक मैसेज करो तो सर कुछ भी है आप चाहे करवा नहीं रहे बैठ के, लेकिन आप ऐसे बोल देते थे कि मोटिवेशन आ जाती थी अंदर से कि हाँ ठीक है हो जाएगा, ऐसे तसल्ली सी मिल जाती थी। तो ये है कि सर बहुत हेल्प कर सकते हैं आगे, अभी भी तुम्हारे एग्जाम तक भी और एग्जाम के बाद भी, अभी भी जैसे मैं फाइनल में आ गया लेकिन अभी तक भी मैंने सर के ही हाथ में पूरा छोड़ रखा कि आप ही मेरी मेंटरशिप करोगे, आप ही बताओगे फाइनल में भी AI यार अब कैसे लानी है, तो बिल्कुल सर बहुत हेल्प करते हैं। और बस ये भी कहना चाहूंगा कि
बाकी टीचर्स भी हैं तो डाउट वगैरह सॉल्व करने के लिए क्या होता है, बच्चे जैसे रेगुलर क्लास है उसमें कनेक्ट में रहते हैं, क्लास में पूछ लेते हैं, उसके बाद ऐसे हो जाता है। मैंने मेरे साथ के जैसे ग्रुप में वहीं भी अनअकैडमी के, तो बहुत से बच्चे के डाउट आ रहे हैं, बस ग्रुप में छोड़ दिए, फिर मैं जैसे मैं बोलूँगी नहीं आ रहा तो टीचर को पूछ लो, कह रहे अब वो नहीं रिप्लाई देंगे, वो खुद से ही प्रिडिक्शन बना के बैठे हैं और भेज नहीं रहे डाउट, और मैं सारे डाउट भेजता था, सारे टीचर सब डाउट सॉल्व करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं करता, बहुत एक आधी कभी छूट गया तो छूट गया रेयर केस में, लेकिन डाउट्स सब सॉल्व हो जाते हैं, तो डाउट्स मत बचा के रखो, डाउट्स बचा रह गए तो वो कंसेप्ट खा जाता है पूरा। अमेजिंग अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच स्पर्श आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए एंड आपके इनपुट्स शेयर करने के लिए। आई एम वेरी श्योर कि ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस दिस वाज स्पर्श सिंगल जो 96 लेके आए हैं अकाउंट्स में, एडवांस अकाउंटिंग में 71 लेके आए, ओवरऑल 557 लेके आए हैं एंड वी गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड इसने जो बोला है मैं आप सभी को बोलूंगा कि मेक श्योर आप उसको जरूर अप्लाई करो, बिकॉज स्कोरिंग 96 इन अ सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज इन सी ए इंटर। ठीक है, तो इसने अगर ये चीज किया है तो इसने लाइफ में कुछ चीज तो सही की होगी लास्ट 9 months में एग्जाम के पहले, जिसके कारण इसको यहाँ पे 96 आया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्पर्श, ऑल द बेस्ट फॉर सी ए फाइनल एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल योर इनपुट्स विद द स्टूडेंट्स। एंड विद दिस वी नाउ एंड दिस सेशन। ऐसे ही और वैल्यूएबल सेशन आपके लिए इस चैनल पे आते रहेंगे, उसके लिए यहाँ पे स्टे ट्यून्ड। नाउ ऑन बिहाफ ऑफ स्पर्श एंड माई सेल्फ दिस इज सी ए तेजस सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू ऑल इन सच फ्यूचर सेशंस। बाय बाय।